उत्तर प्रदेश के ही कासगंज की, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कासगंज के मोहनपुरा गांव के पास मिट्टी की खुदाई चल रही थी, इस दौरान मिट्टी ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिलाएं देवोत्थान एकादशी के मौके पर मिट्टी लेने गई थीं, तभी मिट्टी का बड़ा टीला ढह गया, जिससे वहां खुदाई कर रही महिलाएं और बच्चे इसमें दब गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, उन्होंने मिट्टी से खोदकर घायलों को बाहर निकाला, लेकिन कुछ लोग अंदर दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाकर दबे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन इन सब में 4 लोगों की जान चली गई। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ गई हैं। रुचि, ये हादसा कैसे हुआ और अभी क्या सब कुछ कंट्रोल में है? क्या पूरी तरीके से मिट्टी के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? जी, जितने लोग दबे थे सबको बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 घायल हुए थे जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है, उसमें से एक को घर भेज दिया गया है और एक को अलीगढ़ रेफर किया गया है। और ये जो पूरा जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ पे नेशनल हाईवे बन रहा है, कासगंज को मथुरा से जोड़ा जा रहा है, तो सड़क बनाने का काम था, उसी में मिट्टी का ढेर भी लगा था और गड्ढा भी था, और ये महिलाएं उस गड्ढे में गिर गईं और गड्ढे में जहां गिरी उसके ऊपर मिट्टी गिर गई और उसमें वो दब गई। तो मौके पे SDRF की टीम भी पहुंची, NHAI की जो टेक्निकल टीम होती है वो भी पहुंची और रेस्क्यू का काम शुरू हुआ, लेकिन 4 महिलाओं को बचाया नहीं जा सका और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अब बाकी एक की हालत गंभीर है, बाकी कहा जा रहा है कि वो ठीक है, एक को घर भेज दिया गया है, एक का अस्पताल में इलाज जारी है। प्राची जी, दर्दनाक हादसा जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और 3 लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।